स्वागत आप सभी का। ब्रेक के बाद मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी का फोकस अब की बार संताल और कोल्हान पर है। जुलाई में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। 2024 में कोल्हान और संताल पर बीजेपी का फोकस, जुलाई में पीएम मोदी और अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी, झारखंड के सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने का लक्ष्य। बीजेपी अब मिशन 2024 में जोर शोर से जुट गई है। जुलाई में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संथाल और कोल्हान में बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, इसकी तैयारी में बीजेपी जुट गई है। पार्टी का लक्ष्य 2024 में झारखंड की सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने का है। कई योजनाओं के, जब हमारी डबल इंजन की सरकार थी तो कई योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में भी माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड आए हैं, तो इस दृष्टि से जब भी उनका कार्यक्रम होगा भारतीय जनता और पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं और सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को नजदीक से सुने। जब भी अवसर आएगा हम सब उनके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और उनको सुनेंगे। जुलाई में पीएम मोदी के बड़े कार्यक्रम की तैयारी में बीजेपी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे चुनावी शंखनाद। झारखंड के कोल्हान और संथाल में हो सकते हैं कार्यक्रम। 2019 में सिंहभूम और राजमहल में मुरझा गया था कमल, अब की बार सभी 14 सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी। मोदी लहर में 2019 में सिंहभूम और राजमहल में बीजेपी को मात मिली थी, ऐसे में बीजेपी का फोकस इन दो सीटों पर ज्यादा है। यही वजह है कि शुरुआत में ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश में है। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। उनका कहना है कि बीजेपी सांसदों को अपने कामों से ज्यादा पीएम मोदी पर भरोसा है। यही वजह है कि मोदी के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश में बीजेपी के ज्यादातर सांसद जुटे हैं। जनता ने सांसद चुन के भेजा, आपको परफॉर्म करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, परंतु आप उसमें विफल रहे। अब अपने काम से ज्यादा आपको भरोसा मोदी के नाम का है, बहुत अफसोस होता है। जनता ने जिस कारण से भी चुन के भेजा, जनता अब अपने निर्णय पर पछता रही है और आने वाला समय जो लोकसभा का चुनाव है, इनका एक भी खाता झारखंड में नहीं खुलेगा, इतना तय है। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, ये देश की जनता को धन्यवाद इन लोगों को करना चाहिए कि देश की जनता ने भाभा बेस में आकर के 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री जी के नाम पर इन लोगों को वोट दे दिया था। लेकिन अब 2024 में प्रधानमंत्री जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रही। झारखंड में लोकसभा की 11 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2019 में एक सीट पर सहयोगी आजसू ने विजय पताका फहराया था। लेकिन सिंहभूम में कांग्रेस की गीता कोड़ा, जबकि राजमहल में जेएमएम के विजय हांसदा ने जीत दर्ज की थी। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने अभी से ही मजबूत मोर्चाबंदी की शुरुआत कर दी है। रणनीति बनाने से लेकर किला फीता तक की जिम्मेवारी केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है। हालांकि इस बीच झारखंड बीजेपी के ज्यादातर सांसदों की चाहत यह है कि यहां प्रधानमंत्री का जल्द से जल्द कार्यक्रम लगे, ताकि 2024 को लेकर शुरुआत से ही मोमेंटम बरकरार रहे। कैमरामैन कैश के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 रांची। तो मिशन 2024 में जुट गई है बीजेपी और झारखंड में मिशन 14 यानी कि 14 की 14 लोकसभा सीटों को बीजेपी अपनी झोली में करना चाहती है, और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सहारा लेने के मूड में नजर आ रही है प्रदेश बीजेपी। सीधे हम रुख करेंगे राकेश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। राकेश, 2024 के चुनाव आने में वक्त है, लेकिन तपिश अभी से ही महसूस होने लगी है। मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और कहीं ना कहीं उम्मीद सहारा है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम का। राकेश, हमें सुन पा रहे हैं आप? तो राकेश तक ऑडियो हमारा नहीं जा रहा है, हम फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम खबर बताएं अपने दर्शकों को कि मिशन 2024 में बीजेपी लग गई है और मिशन 14 नाम दिया गया है, यानी कि 14 की 14 लोकसभा सीटों को जीतना।
अभी 14 सीटों में 11 सीटें बीजेपी के पाले में, एक सहयोगी आजसू के पाले में, एक जेएमएम के पाले में है और एक सीट पर कांग्रेस की गीता कोड़ा काबिज है। तो बीजेपी की बात हम कर रहे हैं, बीजेपी तमाम पार्टियां मिशन 2024 में लगी हुई है, बीजेपी मिशन 14 में लगी हुई है क्योंकि झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें और बीजेपी चाहती है कि 14 की 14 सीटें बीजेपी जीत जाए और सहारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का प्रदेश बीजेपी को। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। राकेश, मिशन 2024 की बात हो रही है लेकिन बीजेपी के लिए मिशन 14 है, 14 की 14 सीटें अपने पाले में करने का ये मिशन है। बिल्कुल, देखिए झारखंड बीजेपी की कोशिश यही है शारिफ की 2024 में जब लोकसभा का यहाँ चुनाव हो तो उस वक्त जो 14 सीटें हैं झारखंड में लोकसभा की वो तमाम सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आए और इसको लेकर मजबूत आप कह सकते हैं कि घेराबंदी या तैयारी आप कह सकते हैं उसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं केंद्रीय नेताओं की अगर हम बात करें, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 4 लोकसभा की जिम्मेवारी दी गई है, इसके अलावा कई केंद्रीय नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है और कई केंद्रीय नेताओं का कार्यक्रम जो है वो लगने भी लगा है क्योंकि ये पूरा जो महीना है वो लोगों के बीच बीजेपी जा रही है, उनसे संवाद स्थापित कर रही है और उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है और इस बीच कई केंद्रीय नेताओं का कार्यक्रम भी यहाँ लगा है। तो कोशिश यही है बीजेपी की कि 2024 में 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जो है वो कमल खिलाए। हालांकि राह इतनी आसान भी नहीं है शारिफ, आपको भी पता है कि मोदी लहर के बावजूद राजमहल की सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। अगर सिंहभूम की बात करें जहां से गीता कोड़ा जीत कर आती है उस सीट की बात करें तो वहां भी बीजेपी जो है वो कमल नहीं खिला पाई थी। तो इस बार इन दोनों सीटों पर बीजेपी की खास फोकस है और इसको लेकर खास तरह की रणनीति जो है वो बीजेपी तैयार कर रही है, खासकर संथाल की सीट राजमहल और कुल्हान की अगर हम बात करें तो चाईबासा जहां से गीता कोड़ा आती है। तो इन दोनों सीट को लेकर बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी है और उसी स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी जो है वो अभी से आप कह सकते हैं कि चुनावी मूड में जा चुकी है। जो बीजेपी के सांसद है यहाँ 12 सांसद है बीजेपी के, एक चूंकि गिरिडीह आसू के वहां से चंद्रप्रकाश चौधरी है, तो बीजेपी के जो अपने सांसद हैं 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के अपने सांसद हैं, तो बीजेपी सांसदों की कोशिश यही है शारिफ कि जो बड़े नेता हैं उनका कार्यक्रम लगे यहाँ जल्द से जल्द। खासतौर पर उनकी चाहत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या देश के गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम लगे और इसको लेकर जो अभी हाल में कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी पार्टी के स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले महीनों में संभवतः जुलाई के महीने में शारिफ प्रधानमंत्री का कोई बड़ा कार्यक्रम संथाल में हो या कुल्हान में हो, तो इसकी तैयारी बीजेपी अपने स्तर से कर रही है। जो सांसद है उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री का बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता है, अगर रैली होती है, तो 2024 को लेकर जिस मोमेंटम की बात कही जा रही है उस मोमेंटम की शुरुआत एक तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ हो जाएगी और उसका एक बेहतर परिणाम मिलेगा क्योंकि मोमेंटम जब आप पकड़ते हैं तो उसकी रफ्तार के साथ आप चलना शुरू कर देते हैं। तो इससे लगता है बीजेपी के सांसदों को कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम अगर होते हैं तो उनके कार्यक्रम के आश्रय उनकी जो चुनावी बेहतरनी है वो पार हो जाएगी क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कोरोना काल में सांसदों का फंड प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार ने रोक दिया था, तो बहुत काम जो सांसद अपने क्षेत्र में कर सकते थे वो फंड के अभाव में कर नहीं पाए। तो अब उनको ये डर सता रहा है कि अब लोगों के बीच कैसे जाया जाए। तो यही वजह है कि बीजेपी के ज्यादातर सांसदों की इच्छा है, उनकी राय है और पार्टी की भी ये राय है सारी, वो चाहते हैं कि बड़े नेताओं का कार्यक्रम यहाँ लगे, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगे ताकि एक मोमेंटम यहाँ से जो है 2024 को लेकर उसकी शुरुआत हो सके शारिफ। राकेश, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाहता है कि झारखंड की 14 की 14 सीटें बीजेपी के पाले में आ जाए। प्रदेश बीजेपी के जो नेता है वो कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जो सांसद है, जो सिटिंग सांसद है,
इस कार्यक्रम और इस मिशन के बाद उनकी धड़कनें तो तेज हो गई होगी, क्योंकि मार्किंग तो उनकी भी निकल रही होगी कि आखिर उनका कार्यकाल कैसा रहा, जनता के बीच उनका कैसा प्रभाव रहा। और एक जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत जस्टिफाइड बात है कि जो सांसद निधि रोका गया था, फंड रोका गया था, उस वजह से बहुत विकास कार्य जो है जो संसदीय क्षेत्र में होने थे वो भी प्रभावित हुआ। तो इन तमाम चीजों को लेकर उनकी भी मार्किंग अब शुरू कर दी होगी प्रदेश से लेकर केंद्र स्तर पर। तो बिल्कुल देखिए, मार्किंग हर स्तर पर हो रही है और अंततः आपको जनता के बीच ही जाना है, तो जो मार्किंग होगा वो जनता ही आपको मार्क्स देगी। तो ये डर और ये बात अब बीजेपी के उन सांसदों को सताने लगा है जिनसे बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर उनके आश्रय कमल जो है वो खिलेगा। लेकिन राह मैं बार बार कह रहा हूँ शारीफ की उतनी आसान नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो महागठबंधन भी पूरी तरीके से एकजुट है, हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर तस्वीर क्या होगी ये कहना अभी मुनासिब है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर कवायद हो रही है, देश में विपक्षी एकता को लेकर लगातार कई बड़े नेता जो है वो सक्रिय हैं, तो अगर तमाम चीजें अगर विपक्ष के आप कह सकते हैं कि विपक्ष को अगर वो सारी चीजें उस तरीके से अगर विपक्ष लेके आगे बढ़ता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन विपक्षी एकता कितना कारगर होगी, बनेगी या नहीं बनेगी 2024 से पहले, 2024 को लेकर ये भी देखना होगा। और यहाँ जो गठबंधन की सरकार है क्या वो आगे इसी तरीके से जैसे पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था गठबंधन के तहत, तो क्या लोकसभा चुनाव भी गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा? तो ये सारी चीजें हैं अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर विपक्षी एकता बनती है, अगर महागठबंधन एक साथ लड़ता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। शरीफ चलिए, बीजेपी की तैयारी है, बीजेपी तैयारी कर रही है और सांसद चाह रहे कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का कार्यक्रम हो जिससे उनका उनको फायदा पहुंचे। हालांकि इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का कार्यक्रम कहाँ होता है और उनके कार्यक्रम से उस क्षेत्र में क्या फायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।